आज हम देखते हैं ऑक्सीजन के अणु के निर्माण की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है 2 और 6, यानी कि अंतिम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ऑक्सीजन है वो अकेला अपनी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए एक ऑक्सीजन है वो अन्य ऑक्सीजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके O2 की अवस्था में पाया जाता है। इसलिए ऑक्सीजन है वो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, क्योंकि एक इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसके पूरा करने के लिए इसको 2 की आवश्यकता है। 2 अन्य से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने अष्टक को पूर्ण करता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है और ये ऑक्सीजन है इससे भी 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। इस प्रकार जो इसकी संरचना बनती है वो इस प्रकार होती है कि बीच में बंध बनेगा, बंध बनेगा डबल बॉन्ड। कैसा बनेगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तथा अणु का निर्माण हो जाएगा O2। अगर इसी प्रकार देखा जाए नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके पहली कक्षा में 2 आ जाएगा, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए अंतिम कक्षा में इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देता है। इसी प्रकार इसकी जो संयुक्तता हो जाती है वो कंप्लीट हो जाती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको इस नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से लेके अपनी संयुक्तता कंप्लीट करके 8 इलेक्ट्रॉन को बना लेता है। ये नाइट्रोजन भी 3 इससे साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक के वो कंप्लीट कर लेता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा में हो जाती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन की संयुक्तता भी संतुष्ट हो जाती है। तो नाइट्रोजन ने 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन है उस नाइट्रोजन के। जब 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो बीच में तो बंध बनता है, वो बनता है ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध का निर्माण होता है, तथा नाइट्रोजन के अणु का निर्माण हो जाता है N2।